आप देख सकते हैं कि रोड क्रॉस करते वक्त एक लेबर के व्यक्ति की मौत हो जाती है, मौके पर मौत हो जाती है रोड क्रॉस करते हुए, और क्रेन के साथ ये हादसा होता है। हालांकि जाम जो है आप देख सकते हैं लगा दिया गया है। बीजना गांव का वो रहने वाला बताया जा रहा है जिसकी मौत हुई। कई गाड़ियां आपको जाम में जरूर नजर आ जाएगी, आप देख सकते हैं गाड़ी पर हरियाणा सरकार लिखा हुआ, वो गाड़ी भी यहाँ बीच में नजर आ जाएगी। और तमाम जो लेबर के लोग हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में भी आपको नजर आ जाएंगे। हालांकि पुलिस ने दूसरी तरफ से जो है रोड को क्लोज जरूर करवाया है, उस तरफ से वाहनों को नहीं आने दिया जा रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जाम की स्थिति जो है यहाँ पर पैदा होती हुई जरूर नजर आ रही है। अभी तक भी जो बॉडी है, जो शव है, वो सड़क के बीचों बीच इसी तरीके से पड़ा है। हालांकि एक एम्बुलेंस पहुंची थी, वो एम्बुलेंस जो अपने साथ बॉडी को नहीं लेकर गई, शव वाहन का इंतजार था, लेकिन उससे पहले तमाम जो लेबर के लोग हैं आप देख सकते हैं वो गुस्से में है और सड़क के बीचों बीच जाम लगा दिया। क्या कुछ कहना है क्या आपके? मैडम जी ये गरीब बंदा है, इसके लिए कोई सुनवाई नहीं है, वो बड़ा मर जाता है, इसके लिए सुनवाई होती ना। ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा है मौके पे? नहीं पकड़ा जी, वो तो हमने पकड़ के लिए आज ही मच्छी मार्केट से भाग गया था जी, वो मार के दोनों पिया चढ़ा के जी, पहले तो वहाँ गाय को ऊपर चढ़ा रहा था जी, फिर यहाँ बंदा के ऊपर चढ़ा गया जी, चढ़ा के एकदम उतर के भाग गया जी, फिर उससे मच्छी मार्केट से पकड़ के लाए, फिर पुलिस वाले ने अपने हिरासत में लिया। उस टाइम अगर एम्बुलेंस आती जी तो ये बच सकता था, उस टाइम सांसें चल रही थी, पर 45 मिनट तक एम्बुलेंस नहीं आई जी, जब एम्बुलेंस आई थी से उठाई नहीं, वो बोल रहे हम डेड बॉडी नहीं उठा सकते, वो उल्टा जाने लगी जी, चल गई। अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, अभी कुछ दिन पहले जी इसका जवान लड़का मरा था, ये बिजना गांव के रहने वाला हरजिंदर नाम है जी, मजदूर, बहुत बढ़िया मजदूर है जी, गरीब आदमी है, इसे इंसाफ दिलाने चाहिए प्रशासन के। ड्राइवर को आपने पकड़ा, कैसे हालात थे ड्राइवर की, क्या कारण था? उसने जी ड्रिंक रखा था और ड्रिंक करके उतर के भाग गया था, इसे मार के चढ़ा के गाड़ी, फिर उसे पकड़ के ले आए जी, फिर ये पुलिस वाले ने उसे अपने 12 नंबर गाड़ी जो थी उसमें लेके बैठा के उसे लेके फरार हो गए, पब्लिक भड़क गई थी उस टाइम जी, ये बात है जी। हाँ जी ये डेली आता है जी काम पे और शाम में चल जाता काम करके जी, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला बंदा। बिल्कुल बीजना गांव के हरजिंदर बताए जा रहे हैं जिनकी इस पूरे हादसे में मौत हो जाती है जी। हाँ बीजना गांव बताया जा रहा है इनका, और पहले इनके बेटे की मौत हुई ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो हंगामा करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेबर के लोग हैं काफी ज्यादा गुस्से में है, लगभग 2 घंटे को होने आए हैं, लेकिन अभी तक जो बॉडी है आप देख सकते हैं वो बीच सड़क पर इसी तरीके से जो है वो पड़ी हुई है, लगभग 2 घंटे हो जाते हैं इस बॉडी को अभी तक पड़ी हुई है। हालांकि उसके बीच में ही लोग काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे जी हमारा रजे भाई, हमारा क्या पता, ये लावारी था, ये पड़ी है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे रजे पर कौन सा बंदा था, हम जानते हैं ये पहले हॉस्पिटल में कोई भरोसा नहीं है, वो बंदा बच नहीं सकता था, बस आया था, बताया नहीं, फिर रात को पीसीआर घूमता है, रात को पीसीआर घूमती है, उनकी क्या ड्यूटी है भाई, प्रशासन की रक्षा करे, उनकी ड्यूटी नहीं है, दारू पी के चले, वो ड्राइवर दारू पी रहा था। अब कह रहे हैं अभी पुलिस पे भरोसा नहीं करते, आप क्या करें भरोसा उन पे, वो जनता की रक्षा के लिए, अपने जेब भरने के लिए थोड़ी है, मैं मुंह पे कह रहा हूँ, मेरे खिलाफ अरेस्ट करते हो, कर ले हम लाशी मान ना, पहले वो ड्राइवर चाहिए जो सब बैठा कर लेगा, और बैन के गाड़ी देखा क्या, और जाम वो जाम की वजह भाग रहे ना, जाम की वजह ये गया भाई, पुलिस को अपना कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं तो बंदा बच जाता। एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस आई थी बता रहे हैं, एम्बुलेंस तो आई थी, एम्बुलेंस एम्बुलेंस आई 1 घंटे बाद, और पुलिस की जिप्सी भी खड़ी थी, क्या उन कार्रवाई बाद में भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते थे, यानी उन्हें लेकर जानते बेचारे गुड़िया मेरे पास बेचारे का ट्रीटमेंट कराते, ट्रीटमेंट कराते उसका, शायद वो बच जाता, वो तो देखो भगवान के ऊपर है किस्मत की बात, वो बच भी सका था, पर पुलिस ने ये कोशिश नहीं करी, सड़के भाग गए, और दारू पे ड्राइवर ना उस पीसीआर का नंबर नोट करके उसको मंगवाओ, आप हमारे इंटरव्यू ले रहे हो ना, उस ड्राइवर को बुलाओ, उनका इंटरव्यू लो पुलिस वालों का, हमारे इंटरव्यू लेने का कुछ नहीं बनेगा, हम तो रोड पे बैठे हैं, आप कह रहे हो ना रोड जाम करने की क्या वजह है, मेन वजह है गरीब आदमी काम रहे, कल को किसी के साथ हादसा हो जाएगा, गुस्सा देख सकते हैं तमाम लोग में बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक जो है बॉडी यहाँ पर इसी तरीके से पड़ी हुई है, रोड जाम करने की यही वजह है कि गरीब जनता कहाँ जाए, रोड जाम करने की हमारी यही वजह है
गरीब जनता कहाँ जाए, ये बिजनेस गाँव का जाने वाला रहने वाला है। नहीं उठाया इसलिए रोड जाम कर दिया। नहीं, पुलिस वाले ने कार्रवाई नहीं करी इसलिए ये बच जाता। अगर पुलिस वाले लेके जाते ये बेचारा, चलो वो तो किस्मत है जो इसकी लिखी थी, अगर पुलिस वाले लेके जाते ये बचने के चांस थे। ये सर कितने का टाइम हो गया, आप चले ना, घंटा डेढ़ घंटा हो गया, 8 बजे हो गया सर। हाँ सर, पहले वो आया ट्रेन वाला, शायद वो पीछे भैंस या सांड सूंड रुकते जो मंडी में, वो भी खड़े थे, उनके पास कट मारा, फिर इसके ऊपर मारा उन्होंने। किसमें? क्रेन में 2-3 बंदे बैठे थे, एक बंदा पकड़ा है सर। हाँ जी, और भाग के, और हमने पीसीआर में बैठा था, मगर सर कार्रवाई कराओ। पीसीआर वाले ने, मैंने ऐसे रोका, उसने मेरे ऊपर हाथ मारा और मेरे को बहन की गाड़ी दी, क्या उसका फर्जी सर? रुक जाए, चलो वो तो छूट भी जाएगा, मालिक पैसे फेंक देगा जो भी है, क्या प्रशासन का फर्ज नहीं है? कल को मेरे साथ भी हादसा हो सकते हैं, 50 मजदूर फड़े हैं, 100 मजदूर फड़े हैं, इनके साथ भी हो सकता है। कितने लोग इकट्ठे थे ये बीच में खड़े, सड़क में खड़े थे, क्या कर रहे थे ये? फोन नहीं नहीं, ये सड़क पार कर रहा था, सड़क पार कर रहा था, शहर में आते लगा, ये सड़क पार कर रहा था सर। ये बजीना गांव के रहने वाले हैं, बजीना गांव के।